मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन, इन्हें आप जरूर पहचानते होंगे और इनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। इनके साथ एक सेवक रहा करता था। सेवक ने एक दिन कहा कि सर, मैं आपके साथ इतने सालों से हूं, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा साइंटिस्ट तो मैं खुद भी बन चुका हूं। आइंस्टाइन मुस्कुराए और कहा कि जहां पर आज मेरा लेक्चर है शाम को, वो लोग मुझे जानते तो है थोड़ा बहुत, लेकिन पहचानते नहीं, क्योंकि उस जमाने में इतने ज्यादा वीडियोस और आपको पता ये सारी चीजें नहीं थी उस वक्त टेक्नोलॉजी। वो पहुंचते हैं महफिल, लेक्चर इस बार सेवक दे रहा था और जो आइंस्टाइन है वो उस सेवक के सेवक बन चुके थे, तो लोगों को लगा कि सेवक है, खड़े हैं साथ में। वो लेक्चर दे रहा था, लेक्चर दे रहा था और प्रेस में एक इंसान ने खड़े होकर एक सवाल पूछा, तो जो सेवक था वो हक्का पक्का रह गया कि ये पता नहीं कैसा सवाल पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना साधारण सा सवाल का जवाब नहीं आता है, मेरे सेवक से पूछ लो, ये भी बता देंगे। अब सेवक कौन थे? सेवक थे आइंस्टाइन। उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया तो लोग कहने लगे कि आइंस्टाइन का सेवक इतना महान है, आइंस्टाइन खुद कितने महान होंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अगर अच्छे लोगों की शरण में, अच्छे लोगों की जो कंपनी होती है उसके इर्द गिर्द अगर रहोगे तो आप विद्वान, ज्ञानी, समझदार, बहुत सारे आपके जो स्किल क्वालिटी के प्रोग्राम है वो बढ़ जाए, आपकी काबिलियत बढ़ जाएगी। वहीं अगर आप रोजाना मूर्खों की सभा में रहेंगे और वहीं पर बैठकर लेक्चर देने का काम करेंगे तो आपके मूर्ख बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए आपके संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ ढेरों बधाई और शुभकामनाएं उन सभी प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, स्पेशल डे। ये राशि पर आपकी चंद्र राशि और नाम की राशि पर आधारित है, उसे वैसे ही देखने का प्रयास करें। हमेशा की तरह चंद सेकंड आप लोगों के चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग पर। ये 20 जुलाई और श्रावण मास का सोमवार है। आज बहुत ही पुण्य और शुभ दिन है। देव पितृ कार्य और सोमवती के साथ साथ हरियाली अमावस्या भी है। आज रात को 11:02 तक अमावस्या और फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज रात को 9:20 तक पुनर्वसु और फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, अनफा योग का साथ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग, मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग के साथ भद्र योग का मिलाप है। आज भी राहु और बुध का जड़त्व दोष और राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष के साथ साथ गुरु केतु का चांडाल दोष भी रहेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 3:58 के बाद अपने घर में रहेंगे कर्क राशि। अगर आप आज के दिन शुभ कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो उसे नोट करिए। ये समय सुबह 10:15 से 11:15 ये शुभ का चौघड़िया रहेगा और वहीं दोपहर को 4 से लेकर 6 तक लाभ और अमृत का चौघड़िया, ये भी एक शुभ समय है। कोशिश करें कि सुबह 7:30 से 9 तक जब राहुकाल रहता है तो शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। प्रिय साथियों, जब आप 6 राशि देख लेंगे तो आज सर्व पितृ कार्य अमावस्या, हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या पर कौन सा प्रयोग करें कि घर में सुख शांति भी हो, आयु, आरोग्य और स्वास्थ्य के साथ साथ अज्ञात भय से भी मुक्ति मिल जाए। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्यों भगवान शिव को मां काली के चरणों में आना पड़ा। जवाब लोगों ने जरूर दिया, मैं भी इसका जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आज का मेरा सवाल है कि त्रिलोकी के नाथ भोलेनाथ शिव कैसे उत्पन्न हुए या पैदा कैसे हुए, उनके पिताजी कौन थे, इस पर आप रिसर्च करिए, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। चंद्रमा आज आपको पराक्रमी बनाकर सुखी बनाने जा रहे हैं और मां और घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से दिन बन जाएगा। नौकरी पेशा लोग काम को पूरी लगन से कर सकेंगे। व्यापार विस्तार के लिए बरसक प्रयास करते हुए नजर आएंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क की कमी रहेगी। वर्क प्लेस पर आपकी मेहनत का पूरा फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो मेहनत है उसमें तारीफ जरूर अच्छी मिल जाएगी और अधिक अच्छा करने के लिए जो प्रेरणा है वो जरूर मिलेगी। परिवार के सभी सदस्यों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और बनाने भी चाहिए। प्रेम संबंध, लव लाइफ, रिलेशनशिप में सुखद संकेत मिल रहे हैं कि आज बेहतर स्थिति बन सकती है। कोई स्पेशल, कोई तकलीफ, परेशानी, मनभेद और मतभेद वो दूर हो जाएगा।
स्टूडेंट, आज के इस दौर का ख्याल रखते हुए बढ़ती बेरोजगारी के चलते पढ़ाई के साथ कुछ खास धन कमाने का जो इच्छा थी वो कम होती जा रही है। इसलिए अब आपके पास वक्त है अपनी स्किल को डेवलप करना, अपनी आदत को बदलना, ताकि भविष्य में आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके। आज अगर आप हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर आम और नीम का पौधा लगाते हैं घर के इर्द गिर्द में तो बहुत शुभ रहता है। लकी कलर सिल्वर, नंबर 5 शुभ रहेगा। वृषभ राशि, चंद्रमा आज आपको धनवान, कहीं से भी धन का आशीर्वाद मिल जाए और आपको पराक्रमी भी बनाएंगे, जिससे धन का इन्वेस्टमेंट करने का पूरा मौका मिलेगा। दोस्त यार और रिश्तेदार की मदद करना या मदद मिलने के पूरे चांसेस है। बिजनेस में छोटा निवेश हो या बड़ा हो, लेकिन सही योजना बनाकर अपने वर्क को भी संभालना है और अमल करते हुए सही इन्वेस्टमेंट भी करना है। नौकरी में आर्थिक फायदे के लिए दिन बहुत शानदार है। वर्क प्लेस पर कुछ अधिक काम करने का बोझ आपको मानसिक रूप से थकाने वाला है। ननिहाल पक्ष से लाभ के पूरे योग हैं, इसलिए नाना नानी मामा मामी से आशीर्वाद जरूर लीजिए। धर्म में अरुचि, भौतिकता में ज्यादा रुचि, स्पष्ट संकेत दृष्टिगोचर कर रहे हैं कि आप डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप किसी तीसरे महानुभव की वजह से खटपट हो सकती है, इसलिए तीसरे इंसान की नो एंट्री। घर के काम के साथ साथ अपने पर्सनल प्रोफेशनल काम में एक दबाव महसूस करेंगे, एक हल्की सी घुटन और एक अज्ञात भय महसूस करेंगे। अगर आप आज के दिन पलाश और पीपल के पौधा या वृक्ष लगाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहता है। लकी कलर ग्रीन, नंबर 4 शुभ रहेगा। मिथुन राशि, चंद्रमा आज आपको अपना ख्याल रखने, थोड़ा सा सेल्फिश बने, खुद के ऑरा को मजबूत करने, डिग्निटी को मजबूत करने के साथ साथ धन और फैमिली की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा, परिवार में मन अच्छा लगेगा। इस दिन आपकी व्यवसायिक योजना फलीभूत रहेगी, जो भी आप योजना बना रहे हैं अपने बिजनेस के लिए वो परफेक्ट काम कर सकती है। नौकरी करते हुए आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। वर्क प्लेस पर कोई खुशखबरी मिलने जा रही है। संतान संबंधित किसी महत्वपूर्ण दायित्व की पूर्ति जरूर होगी। शिक्षा या प्रतियोगिता, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या जनरल एग्जाम हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो या किसी प्रकार की पढ़ाई, उसमें जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आज अव्वल यानी 21 आप सिद्ध होने वाले हैं। काम और पारिवारिक जीवन के बीच बढ़िया कोऑर्डिनेशन बनाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना ही चाहिए। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में खुशियों का आगमन होना आपकी खुशियों में एक चांद एक्स्ट्रा लगा सकता है। आज आप हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर वट वृक्ष का पौधा लगाना, उन्हें सींचना और ऐसा संकल्प लेना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर येलो, नंबर 4 शुभ रहेगा। कर्क राशि, चंद्रमा आज आपको खर्च भी करवाएंगे, व्यर्थ की भागदौड़ भी करवाएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बिजनेस में आपको फाइनेंशियल चुनौती, जिम्मेदारी, चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई खर्च आ चुका है, अब कैसे पूरा होगा, इस पर चिंतन मंथन विचार होने जा रहा है। किसी खास इन्वेस्टमेंट या कोई बड़े इन्वेस्टमेंट या बड़े पैसे खर्च को फिलहाल टाल देना ही समझदारी रहेगी। वर्क प्लेस पर कुछ अपोजिट विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए आपको अपनी सोच और रणनीति को बदलना ही होगा। नौकरी में किसी के द्वारा धोखा आपको प्रोफेशनली काफी पीछे धकेल सकता है, अवेयर रहे। स्टूडेंट को अपने विषयों में कहीं कोई कंफ्यूजन महसूस हो सकता है। जीवन के अलग अलग पहलुओं से बढ़ने वाली टेंशन या मानसिक तनाव के लिए आने वाले दिनों में कोई खतरनाक स्थिति आपको मानसिक रूप से भोगनी पड़ सकती है, इसके ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको तनाव या चिंता देते हैं। विवाहित लोगों के जीवन में कुछ अनचाहे नकारात्मक बदलाव परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आप अगर आज हरियाली और सोमवती अमावस्या के दिन अपने ग्रहों को शांत करने के लिए पलाश और अशोक वृक्ष के पौधे लगाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। लकी कलर पर्पल, नंबर 1 शुभ रहेगा। सिंह राशि, चंद्रमा आज आपको लाभ भी देंगे, इनकम भी कराएंगे, नए सोर्सेस को डेवलप भी कराएंगे और साथ में खर्च भी करवाएंगे, इसलिए आप इन दोनों ही परिस्थितियों पर रेडी रहें और सही योजना बनाएं। वर्क प्लेस पर अचानक कुछ परिवर्तन जो आपको उस वक्त तो एक अनइजीनेस देगा, लेकिन आपकी डिग्निटी, आपका रुतबा,
आपके आने वाले दिनों के लिए एक बेहतर रूपरेखा बनाना चाह रहे हैं और वो आश्चर्यजनक बदलाव आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की बढ़िया कम्युनिकेशन और जो कॉन्वर्सेशन है किसी के भी साथ है, चाहे वो आपके ऑफिसर हो, मंत्री, बॉस, सबॉर्डिनेट हो, अच्छा काम करवाएंगे और लोग आपकी पीठ पीछे तारीफ जरूर करेंगे। बिजनेस में आर्थिक रूप से आप आज अधिक सुदृढ़ होने जा रहे हैं। स्टूडेंट कक्षा में अच्छे परिणाम और बेरोजगार लोग नौकरी के लिए जो जूझ रहे हैं उनके सद प्रयास जारी रखने से या जारी होने से और आशीर्वाद से आज नौकरी मिल सकती है, आगे बढ़ सकती है नौकरी की सिचुएशन। लव लाइफ और रिलेशनशिप, आपके पार्टनर से बढ़िया बॉन्डिंग, प्यार, इश्क और मोहब्बत परवान चढ़ेगी। आज हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर अगर आप शीशम और मीठे नीम का पौधा अपने घर के इर्द गिर्द कहीं आसपास लगाते हैं तो आपके ग्रह भी शांत होंगे और मधुरता भी बढ़ेगी। लकी कलर ऑरेंज नंबर 2 शुभ रहेगा। कन्या राशि, चंद्रमा पहले तो आपको कर्म करने का आशीर्वाद देंगे और पिता से भी आशीर्वाद दिलवाएंगे और उसके बाद लाभ का भी आशीर्वाद मिलेगा। मतलब जो भी आप काम करेंगे उसमें कर्म, पिता और लाभ, ये तीनों स्थितियां आज अच्छी बनने वाली है। नौकरी में आप समय से पूर्व अपना दैनिक काम निपटा लें क्योंकि इस दिन आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी लेवल, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी सामान्य से बेहतर रहेगी। इससे जब एनर्जी अच्छी हो, नींद और आलस से परेशान ना करें तो एडवांस में काम कर लीजिए ताकि समय पर आपकी जिंदगी आगे बढ़ती रहे। वर्क प्लेस पर आज के दिन आपके लिए किए गए प्रयास, लिए गए निर्णय भविष्य में आपके लिए फायदेमंद तो जरूर होंगे लेकिन आज से ही आपको इसकी खुशबू नजर आने लग जाएगी। बिजनेस में किसी बात को लेकर दोपहर के बाद बेचैनी, झगड़ा फसाद, अनबन हो सकती है, इसलिए आप अपने पक्ष में कोई स्थिति आ जाए इसके लिए तो जरूर सोचें लेकिन जो आपके विपक्ष लोग हैं उन्हें भी पक्ष में करना अच्छा रहेगा। पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे और जो परिवार के सदस्य कोई दूसरे तनाव भी ले रहे थे उससे आप निकल जाएंगे। स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं, आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें प्रयास आपके सार्थक होंगे और मन और मस्तिष्क आपका कंट्रोल में रहेगा। लव लाइफ रिलेशनशिप में मन मुटाव और मतभेद की स्थिति खत्म होगी। रोमांच और रोमांस आपका ही इंतजार कर रहा है। बेहतर वातावरण होगा, हरियाली का वातावरण रहेगा, घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने का वातावरण होगा, घर को भी खुशनुमा बनाने का पति पत्नी के साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग मजबूत रहेगी। आज हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर आप आंवला अमरूद का पौधा लगाएं बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर नेवी ब्लू नंबर 3 शुभ रहेगा। प्रिय साथी, 6 राशि के बाद जैसा मैंने आपसे जिक्र किया था कि आज बहुत ही शुभ दिन है, इसके आप पितृ दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य, आयु और अज्ञात भय से जो तकलीफ है उससे मुक्ति पा सकते हैं। सांसारिक 7 सुखों में निरोगी काया को पहला सुख माना गया है और पितरों का आशीर्वाद हो तो निरोगी काया बन सकती है और पितरों का आशीर्वाद न हो, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा हो तो कितनी भी एक्सरसाइज, जिम, योग, प्राणायाम कर लें आप अशांत ही रहें। इसलिए आपकी काया निरोगी रहे, घर में पितृदोष के बिना आप रहें, आप इन्हीं सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। इन सुखों को प्राप्त करने के लिए और काया को निरोगी बनाने के साथ साथ अज्ञात भय से छुटकारे के लिए शिव की रोग बाधा निवारक साधना आज आपके लिए श्रेष्ठ है। यह पति पत्नी भी कर सकते हैं, आपस में दाम्पत्य जीवन भी मजबूत होगा और कोऑर्डिनेशन भी शानदार होगा। इस बार श्रावण में हरियाली अमावस्या पर बन रहे ग्रह योग के साथ इस साधना का महत्व और भी बढ़ गया है। शिव को प्रिय 2 नक्षत्र आर्द्रा और पुनर्वसु, इस दिन इस साधना से असाध्य रोग से भी परेशान अगर आप हैं तो मुक्ति पा सकते हैं सही और सच्चे तरीके से काम करके। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी रोग निवारक शिवलिंग, अष्टगंध और अनार की कलम की। रोग बाधा निवारक शिवलिंग अगर आपको न उपलब्ध हो तो पारे का शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रयोग आपको 20 तारीख यानी हरियाली अमावस्या से प्रारंभ करके अगले 11 दिन तक नियमित रूप से करना है। इसके लिए आपको क्या करें, सबसे पहले रोग बाधा निवारक शिवलिंग, अनार की कलम और अष्टगंध प्राप्त कर लिया आपने, रोज स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पूजा कक्ष में जाएं और सर्वप्रथम गणेश पूजन के बाद आप गणेश जी की स्तुति करें, श्री गणेश चतुर्थीश का पाठ करें और उसके बाद रोग निवारक शिवलिंग का सरसों अथवा तिल के तेल से लगातार अभिषेक करें। इसमें आम,
इसमें आप शनि मंत्र का भी जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। रुद्राभिषेक ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। रुद्री जो पाठ होता है, रुद्राष्टाध्यायी पाठ पुस्तक होती है, वह पढ़कर भी या उसे सुनकर भी आप लगातार अभिषेक करते हैं तो भी लाभ मिलता है। रोग निवारक शिवलिंग पर पंचामृत से भी अभिषेक उसके बाद करें। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन अर्पित करें, साफ स्वच्छ करके धो पहुंच कर धूप दीप करें, और इसके बाद एक बिल्वपत्र, 11 बिल्वपत्र या 51 बिल्वपत्र अनार की कलम से अष्टगंध से ओम त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पण, इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। अब यह बिल्वपत्र शिव को अर्पित कर दें। अगले दिन यह बिल्वपत्र उतार कर इसी तरह अभिषेक कर नया बिल्वपत्र लेकर उस पर अष्टगंध से मंत्र लिखें और शिवलिंग पर अर्पित करें। कल का जो बिल्वपत्र था उसे सुरक्षित कर लें। इस प्रकार 11 दिन तक यह साधना करने के बाद 12वें दिन किसी एक बिल्वपत्र को अपने पास रखें और शेष 10 बिल्वपत्रों को आटे में गूंथ कर आप गोली बनाकर मछलियों को दे सकते हैं, और जो एक बिल्वपत्र आपने अपने पास रखा है उसे लॉकेट बनाकर गले में धारण कर सकते हैं। आप घर में 3-4 लोग पहनना चाहें तो उसे रख सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उस बिल्वपत्र को अपनी किताबों में रखें, अपने डेस्क पर रखें, बहुत पुण्य मिलेगा। तुला राशि, चंद्रमा आज आपको भाग्य का भी साथ देंगे और भाग्य से मिलेगा कर्म, और कर्म करके लाभ जरूर बनाएंगे। वेतन भोगी लोग सैलरीड पर्सन दिन भर उत्साह उमंग के साथ शिवमय वातावरण के साथ एक लय में अपना काम कर सकेंगे। बिजनेस पर्सन, आप आज कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में, बिजनेस मीटिंग के लोगों के संपर्क में आएंगे। वर्क प्लेस पर आपके अच्छे काम से आपकी इज्जत बढ़ेगी। संतान के विवाह के बाद या शुभ और मांगलिक कार्य के बाद आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। स्टूडेंट अपने कुछ डिले असाइनमेंट, जो काम अधूरे हैं, अड़चन आ रही थी, उन्हें पूरा करने में लगे रहेंगे। सामाजिक या राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि आज संभव है। मैरिड पर्सन लोग आज एक दूसरे का ख्याल रखते हुए रोमांच और रोमांस का आनंद उठाएंगे। आज आप हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर अगर कटहल और गुलर का पौधा लगाते हैं तो खुशहाली जरूर आती है। लकी कलर व्हाइट, नंबर 3 शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आज आपको सूझबूझ, कॉमन सेंस, इसके द्वारा और अपने अच्छे कर्मों से जो भाग्य डेवलप हुआ है, स्पिरिचुअल कार्य, धार्मिक कार्यों को पूरा करके लाभ भी कमाएंगे और थोड़ा ट्रेवल भी होगा। ये दिन आपको कुछ पारिवारिक और कुछ व्यवसायिक तनाव देने वाला भी हो सकता है। इसके फैमिली फर्स्ट की तर्ज पर काम करें। स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रति जोखिम बिल्कुल भी ना उठाएं। नौकरी में किसी दुविधा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप साइलेंट मोड में रहें। कोशिश करें कि आप जितना अपना काम है उसे ही पूरा करें। आपके द्वारा किया गया कर्म पुरुषार्थ सार्थक आज नहीं होगा। आपका काम नहीं दिखेगा बल्कि गलतियां ज्यादा दिखेगी। व्यवसाय के नहीं चलने से चिंता मत करिए, बल्कि चिंतन करिए कि क्यों नहीं चल रहा है। वर्क प्लेस पर आपकी प्रतिष्ठा और आपकी इमेज को कोई धक्का पहुंचाने की कोशिश करेगा, आप इन लोगों से दूर रहें। आज के दिन अधिक कमाने, अधिक तरक्की के चक्कर में कहीं आप जो कमा रहे थे उससे भी ना चूक जाएं, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। जो भी स्टूडेंट विद्या अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो जनरल पढ़ाई हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हो, घर के झगड़े, दोस्तों के, लव लाइफ या कोई सोशल मीडिया के द्वारा आज डिस्टर्ब होने वाले, कोशिश करें कि आप अपने काम को पहले पूरा करें। जो भी मौसमी बीमारी है, आज के दौर में आपको पता है कि गर्मी जा रही है और बरसात का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा सा तनाव हो सकता है, आप अपना ध्यान जरूर रखें। संतान, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, और स्पेशली उनका जिनको अस्थमा की तकलीफ है। आज प्रेम संबंध तो ठीक रहेगा, लेकिन पुरानी बातों से आप एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले, इससे बचें। इसके लिए हरियाली अमावस्या पर आप आंवला और बेल पत्र का अगर पौधा लगाते तो बहुत शुभ रहता है, और ये शिव मंदिर या इसके आसपास लगाएं तो और भी अच्छा है। लकी कलर पिंक, नंबर 5 शुभ रहेगा। धनु राशि, चंद्रमा आज आपको लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, इन तीनों के साथ एक बेहतर ताल्लुकात बनाने, सूझबूझ और अपने कॉमन सेंस को बेहतर करके लाभ और सुख दोनों ही कमाने का आशीर्वाद दे रहे हैं। आय तो स्थिर है लेकिन खर्च आज बढ़ सकते हैं। बिजनेस में लाभ के संकेत तो हैं, लेकिन खर्चा और किसी को उधार पैसे देना, ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है, अलर्ट रहें। नौकरी में जो व्यस्तता है वो बहुत बढ़ेगी,
हो सकता है आप अपना काम छोड़कर दूसरों के काम पूरा करने में लग जाएं, किसी और ही चक्रव्यूह में फंस जाएं, अलर्ट रहें। वर्क प्लेस पर धीरज, धैर्य और संयम से जीत संभव है। रोगी और विरोधी, ऐसे लोगों से आज आप दूर रहें। संतान के कारण प्रसन्नता के समाचार मिलेंगे जिससे बाकी सारे दुख दुविधाएं भूल जाएंगे। स्टूडेंट और एजुकेशन, ये दोनों का एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है। मतलब मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे एजुकेशन लेनी चाहिए, पर मेरा डेडिकेशन कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज आपका शानदार रहेगा। तो आज आने वाले टाइम में जो पढ़ाई करनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसका दबाव तो रहेगा, लेकिन दबाव से आप बाहर जरूर निकल जाएंगे। जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लेने का दिन है। आपकी जो स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज, इंटेलिजेंस, आईक्यू, ईक्यू लेवल, उससे आज आप बड़ी से बड़ी तकलीफ वो भी हल कर लेंगे। लव लाइफ और रिलेशनशिप में संतुष्टि, बेहतर ड्रेसिंग सेंस और ट्रेवल और एंजॉय करने का मौका मिलेगा। हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर आप पीपल और गुलर का पौधा जरूर लगाएं, उत्तम रहेगा। लकी कलर गोल्डन नंबर 8 शुभ रहेगा। मकर राशि, चंद्रमा आज आपको कहीं से कर्जा लेना, थोड़ा सा स्वास्थ्य डिस्टर्ब होना, दुश्मनी हो जाना और फिर आप दूसरों से मदद मांगे, बेटर है कि साइलेंट मोड में रहें और जिनके साथ भी आपके ताल्लुकात या संबंध है उन्हें बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करें, इसी से ही आप मानसिक तनाव से बाहर निकलेंगे। आप व्यवसाय में पूरी मेहनत करिए। वर्क प्लेस पर आपकी विनम्रता, लोगों के साथ आप कैसे बर्ताव करते हैं, वरिष्ठ जनों से आप कैसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ये सब कुछ आज देखा जाएगा और ये देखने के बाद आप प्रसन्न होंगे। नौकरी में किसी भी प्रकार के नकारात्मक लोगों से 100% दूरी बनाकर रखें। उन्हें सकारात्मक प्रयास या सकारात्मक बनाने में आप खुद नकारात्मक हो जाएंगे, ऐसे चांसेस ज्यादा है। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में सहयोग और सानिध्य जरूर मिलेगा। स्टूडेंट के लिए कड़ी मेहनत और सफलता का नो शॉर्टकट, ये सोच आज आपको आगे बढ़ाएगी और ध्यान में रखते हुए अपने कर्म को बेहतर करते हुए अच्छी पढ़ाई करेंगे। रिश्तों में मधुरता जरूर आएगी, जिनके साथ तल्खी थी वो दूर हो जाएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आज आप हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर शमी और बांस के पौधे लगाना नहीं भूलें, इससे ग्रह भी शांत होंगे और आपका भी उग्र स्वभाव शांत होगा। लकी कलर ब्राउन नंबर 1 शुभ रहेगा। कुंभ राशि, चंद्रमा आज आपको रोमांटिक बनाने वाला है, कुछ ज्ञानी बनाने वाला है। ज्ञानी के साथ साथ संतान सुख, शिक्षा और उसके बाद आप अपने दुश्मनों की दुश्मनी से विजय प्राप्त करते हुए एक बेहतर स्टूडेंट बनते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं। हाँ, सेहत का विशेष ख्याल जरूर रखना है। बिजनेस से संबंधित आपकी कोई पुरानी और अधूरी इच्छा आज पूरी होने की पूरी संभावना है, जब तक पूरी ना हो तब तक साइलेंट मोड में रहे। वर्क प्लेस में व्यवस्थित रहना जरूरी है, व्यवस्थित रहते हुए आगे बढ़े और ध्यान रहे कि नौकरी पेशा वर्ग धैर्य और आशा के साथ अपने अपने कर्म में अगर लगे रहेंगे तो आपके लिए बहुत शुभता रहेगी। यदि किसी खास पारिवारिक निर्णय को आप नहीं ले पा रहे तो घर के किसी वृद्ध व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। प्रेम संबंधों में दरार न आए इसके आप पूर्ण रूप से समर्पण की भावना और अगले के व्यवहार को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। विद्यार्थी, अपने एक दिन की पढ़ाई का लक्ष्य प्राप्त करके आत्मविश्वास से सराबोर महसूस करें। हर रोज मैं कई बार कहता हूं अपने डे को डिजाइन करें, लाभ करें। आज आप हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर शमी का पौधा और आंवला और नीम का पौधा लगाते तो बहुत शुभता रहती है। लकी कलर ग्रे नंबर 2 शुभ रहेगा। मीन राशि, चंद्रमा आज आपको सुख और ज्ञानी दोनों ही बनाने वाले हैं। आकस्मिक परिवर्तन भी होगा, धन लाभ भी होगा और सुख सुविधाएं भी बढ़ेगी। दिन के उत्तरार्ध हालात बेहतर हो जाएंगे। दोपहर से शाम के समय में वरिष्ठ जनों के साथ, जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं, मंत्री, ऑफिसर, बॉस हैं, आप जिस जगह पर रहते हैं उसमें बड़े अहदे पर जो लोग हैं, उन लोगों का साथ और संपर्क आपको तर्क वितर्क से बचने की सलाह देगा और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आपके समर्थन में कमी रहेगी किसी के प्रति। व्यावसायिक प्रगति में कोई और बाधा डालने की कोशिश करेगा, बचे उनसे। वर्क प्लेस पर आपके काम की प्रशंसा आपकी जरूर होगी, लेकिन उसे पाने के लिए अगर कोई काम करोगे कि मेरा ये फायदा हो इसके मैं ये काम कर रहा हूं, तो वह आपका काम पूरा नहीं होगा। स्टूडेंट, कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट इंटेलिजेंट पढ़ाई करें और ऐसा कुछ नुस्खा अपनाएं जिससे आपकी याददाश्त मजबूत हो और याद रहे ज्यादातर चीजें।
नौकरी पेशा लोग काम में मन नहीं लगने की वजह से थोड़ी सी जी चुराते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ में हल्का सा डिस्टर्बेंस होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश न करें, बल्कि कुछ तारीफ और नई चीजें और आज के दौर की बातें करें ज्यादा चलेगा। आपके घर में बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों की बीमारी में या किसी तकलीफ में आने के चांसेस ज्यादा है, उनका और अपना दोनों का ख्याल रखें। करीबी मित्र या किसी से हम जिससे ज्यादा हमारे ताल्लुकात अच्छे, मन मुटाव हो सकता है, उदासी हो सकती है, कोई गलत जुबान के से शब्द निकलने की वजह से तल्खी आ सकती है। हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर आप पीपल और पलाश का पौधा लगाएं, आपके लिए शुभ दिन बन जाएगा। लकी कलर ग्रीन नंबर 7 शुभ रहेगा। प्रिय साथी, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि त्रिलोकी के नाथ भोलेनाथ माँ काली के चरणों में कैसे आ गए। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत सारे लोगों ने तो सही जवाब दिए, रक्त बीज नाम के एक दैत्य ने कठोर तप करके वर पाया था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे उसी के समान अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। वरदान पाकर रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। रक्त बीज से हार कर देवता महाकाली के शरण में गए। सुंदर स्वरूप वाली भगवती देवी दुर्गा ने राक्षसों का नाश करने के लिए विकराल और डरावना स्वरूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश करते हुए राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरने से अनेक दैत्यों के जन्म होने से उनकी संख्या बढ़ने लगी। तब मां काली ने अपनी जीभ के आकार में और भी विकराल कर दिया, जिससे दानवों का रक्त धरती पर गिरने के बजाय मां की जीभ पर गिरने लगा। आखिरकार सभी दैत्यों को मारने के बाद महाकाली ने रक्त बीज का भी वध कर दिया। लेकिन उसका वध करते करते महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था जिसे शांत करना किसी भी देवता के बस में नहीं था। सभी देवता मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव महाकाली के क्रोध को शांत करने की कोशिश में नाकाम होने पर भगवान शिव स्वयं माता के मार्ग में लेट गए। जब महाकाली के पैरों के नीचे शिव आए तब मां का क्रोध शांत हुआ। गौरतलब है कि महाकाली के भयंकर क्रोध को सिर्फ महादेव ही शांत कर सकते थे, इसीलिए स्वयं भगवान शिव को महाकाली के पैरों के नीचे आना पड़ा। इसलिए किसी भी जो महिला है, माता है, बहन है, बेटी है, उनके दुराशीष मत लीजिए, बद्दुआ मत लीजिए, वरना हमें उन्हें शांत करने के लिए उनके चरणों में जाना पड़ेगा। इसलिए महिलाओं का हर पल सम्मान होना चाहिए, उनके क्रोध को आप हल्के में न लें। आप लोगों को आज ये पता लगाना है कि भोलेनाथ शिव कैसे पैदा हुए, उनके पिताजी कौन थे, इस पर आप रिसर्च करें, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। प्रिय साथियों, अगस्त महीने का जो हमारा मंत्री राशिफल है वो शूट हो चुका है, अपलोड कल और परसों में होना शुरू हो जाएगा। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्रावण मास का सोमवार आपके लिए शानदार हो। आज के लिए इतना ही, यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।